जब हवा में नमी महसूस की अपात ले, एहतियातन सांस अपनी रोक ली अपात ले, मैं जो कौशल सर उठाकर देखती है रह गई, इतनी ऊंचाई पे रख दी तो कभी अपात ले, चार साल के पीछे बजना है हमारे मेहमान शायर मोहतरम काज कानपुरी साहब। लोग आ गए, सलामत रहे आप हजरत, तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए, आगे आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, जी जाए, मेरा हर नारे यहाँ पे आपने हमें भेज दिया, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। हाजिर मैं सलाम, देखिए मैं अक्सर बेशतर यहाँ पे एक शेर पढ़ के गया हूँ कि सरों की भीड़ लगी हुई ये क्या जरूरी है, सरों की भीड़ लगी हुई ये क्या जरूरी है, सरों की भीड़ लगी हुई ये क्या जरूरी है, अगर वो जात का इरफा एक आदमी है बहुत। बेटा आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा आ जाए, अर्ज करता हूं एक मतलब कुछ अशार साथ कि पहले चार मिसरे आपको अर्ज करता हूं कि आज की शब्द मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत का आदत है, आज का दिन मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले से मंसूब था और आने वाले वक्त में हमारे 13-12 तारीख को मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं। चार मिसरे पहले पढ़ता हूं ताकि जो मजमा बाहर है वो भी रफ्ता रफ्ता अंदर आ जाए और आज की शब का विहा कदा हो जाए। अर्ज करता हूं कि जमीन पर खाना रब का बहार आता है, जमीन पर खाना रब का बहार आता है, मिसरे सुनिएगा अच्छा, जमीन पर खाना रब का बहार आता है, दुआए नूर पा होकर सवार आता है। जमीन पा खाने रक्का वकार आता है, दुआए नूर पा होकर सवार आता है, छुरी को छीन लो हर वक्त की जुलेखा से, जहां में हुस्न का परवरदिगार है। छुरी को छीन लो हर वक्त की सुलेखा से, छुरी को छीन लो हर वक्त की सुलेखा से, जहां में हुस्न का पहर दिखाया आता है। और एक मतलब कुछ अशार पेश करता हूं, सुनेगी नबी के साथ खुदा का है तू ख्याल अली, नबी के साथ खुदा का है तू ख्याल अली, तू मिसले अव्वल मखलूक लाजवाल अली। पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, पढ़ा लिखा मजमा है, तू मिसले अव्वल मखलूक लाजवाल अली, तुम्हारे चेहरे को चेहरा खुदा का कहते हैं, तुम्हारे चेहरे को चेहरा खुदा का कहते हैं, तुम्हारे चेहरे को चेहरा खुदा जो कहते हैं, मैं कैसे चांद से दे दूं तेरी मिसाल अली, तुम्हारे चेहरे को चेहरा खुदा जो कहते हैं, तुम्हारे चेहरे को चेहरा खुदा जो कहते हैं, मैं कैसे चांद से दे दूं तेरी मिसाल अली, तुम्हारे चेहरे को चेहरा खुदा जो कहते हैं, मैं कैसे चांद से दे दूं तेरी मिसाल अली। और ये भी शेर देखें कि हसन हुसैन से लेकर इमाम आखिर तक तहारतों का समंदर है तेरी आलमी। कुछ शेर सुन ले, हसन हुसैन से लेकर इमाम आखिर तक तहारतों का समंदर है तेरी आलमी, को एक उंगली से सूरत का रूप पलटता है, तेरे हाथ में खाली कब है कमाल अली।
एक उंगली से सूरज चमक बरसता है तेरे हाथ में खालिक का हर मौलाना शेख लो है तेरे हाथ में खालिक का हर कमाल अली किताबे लहजे पलामा भी दे रही है सदा है आसमान से आगे तेरा ख्याल किताबें नहज बलागा भी दे रही है सदा किताबें नहज बलागा भी दे रही है सदा है आसमान से आगे सारे पर्सों में पास कर आयुष सलामत रहे और आयुष दे सुनो किताबें नहज बलागा भी दे रही है सदा है आसमान से आगे तेरा है आसमान से आगे तेरा और नाजुक सा एक शेर नसब बहुत नाजुक सा शेर मौलाइयों खास करके सुने किताबें नहजे बलागा भी दे रही है सदा है आसमान से आगे तेरा है आसमान से आगे तेरा कहाँ थे आप कहाँ थे आप जब मेराज पर नबी पहुंचे कहाँ थे आप जब मेराज पर नबी पहुंचे मैं हाथ जोड़ के करता हूँ ये सवाल भी कहाँ थे आप जब मेराज पर नबी पहुंचे कहाँ थे आप जब मेराज पर नबी पहुंचे मैं हाथ जोड़ के करता हूँ ये सवाल मैं हाथ जोड़ के करता हूँ ये सवाल अली और खुदा ने चाल भी उसकी बना दी औरत से आप सबकी तारीफ में नजर आए खुदा ने चाल भी उसकी बना दी औरत से जो चल रहा था जमाने में तुझसे चाल थोड़ा सीधा हो जाइए जिसे पहले खुदा ने चाल भी उसकी बना दी औरत से जो चल रहा था जमाने में तुझसे वो क्यों बतूल के दासिब को कह रहे हैं बुरा जो वक्त बेच के खाते हैं तेरा माल जो चल रहा था जमाने में तुझसे वफा का ताज मैं उसको पहना नहीं सकता वफा का ताज मैं उसको पहना नहीं सकता बिछा रहा था जो तेरे खिलाफ जाल अली कभी हल्के से ताज मैं उसको पिन्हा नहीं सकता पिन्हा रहा था जो तेरे खिलाफ जाल अली और मौला अली अजहर अलैहिस्सलाम की आज विलादत का दिन है एक मतलब पूछे कि हुआ यह फैसला एक मिसरा हुआ था फैजाबाद का जिहाद हक किया बेशीर में शबीर से पहले जिहाद हक किया बेशीर में शबीर से पहले मतलब अर्ज करता हूं एक मतलब दो शेर कि हुआ ये फैसला तकदीर का तकदीर से पहले हुआ ये फैसला तकदीर का तकदीर से पहले गया फिरदौस में हो रहा जवानों की से पहले हुआ ये फैसला तकदीर का तकदीर से पहले हुआ ये फैसला तकदीर का तकदीर से पहले गया फिरदौस में हुल्हा जवानों मौलाइयों शेख लो न जाने कान में क्या कह दिया चुपके से संभल ले जिहादे हक किया बेशीर से छपी
जान कुर्बान है, तुम्हारा हाजरी भी नहीं है, तुम्हारा बलि नहीं है। हमारे फैसला तकदीर का तकदीर से पहले, गया फिरदौस में हजार जवानों पीर से पहले, मियां जाने कान में क्या कह दिया चुपके से सरवर, वो जनाबे सूरा जनाबे सुनने सलाम अलैहि का बोध में लेना और मौला अली असगर का ना आना। तारीख ये बताती है कि ना जाने क्या कहा मौला ने, बस इसके बाद फौरन जनाबे सूरा के बोध में मौला अली असगर ठहरे नहीं। जाने कान में क्या कह दिया चुपके से सरवर ने, आगा के छोटे आगा के चाहने वाला शेर सुनोगे, शेर अर्ज करना आखिरी शेर, ये हदे हकिया बेशेरी से पीर से पहले, न जाने कान में क्या कह दिया चुपके से सरवर ने, ये हदे हकिया बेशेरी में शबीर से पहले मोरिक असलहों की जब कभी तारीख लिखेगा तबसुम लिखेगा असर तब चमशी। कयादत में मतलब अर्ज कर रहा हूं, सुने आप, अली अली ही जबान से पुकारते रहिए, अली अली ही
सभा से पुकारते रहिए, जमीन पे गिरने से खुद को संभालते रहिए। अली के इश्क का आईना सामने रखकर, फिर से सुनिए मिश्रा, अली के इश्क का आईना सामने रखकर रुके हयात को अपनी सवार देख रहे हैं। रुखे हयात को अपनी संवारते रहिए, न मिल सकेगा कोई सिर्फ एक अली के सिवा, सजा हाथों के समंदर खंगालते रहिए। न मिल सकेगा कोई सिर्फ एक अली के सिवा, सजा हाथों के समंदर। आखा को चाहने वालों, एक शेर जिस एक शेर ने, मैं मार्गे में खड़ा हुई बात कर रहा हूं, जिस एक शेर ने, एक दरगाह तामीर हो रही थी, इनको सलामत रखे खासतौर से अमिताभ भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, तकलीफ ना मैं सुल्तान भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आगे तस्वीर ले आए और उनका किचन महफूज रहेगा, मौला की जमानत में देके आए, जरा आगे यहाँ आके तस्वीर रखें। आप तो सुल्तान हैं, तख्त आपकी किस्मत में है, मुकद्दर है आपका, आप जहाँ भी रहेंगे सुल्तान ही रहेंगे। यहाँ आइए, माशाल्लाह। खुदा माला सलामत रखे परवरदिगार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर, खुदा उनको सेहत अदा करे। डॉक्टर नया हल्लोरी साहब ने अपने कलाई की घड़ी मौलाए कायनात के नारों पर रश्क में आकर तोहफे में दी। एक शेर मैं बोल देता हूँ, साहब याद आ गया, इसी तरीके भूला हुआ था वो शेर, आपके तोहफा देने से याद आ गया। अली अली सभा से पुकारते रहिए, जमीन पे गिरने से खुद को संभालते रहिए, जमीन पे गिरने से, भैया शेर सुनिया, जमीन पे गिरने से खुद को संभालते रहिए, अली के इश्क का आईना सामने रखकर रुके हयात को। सोचिए मेरा मौला कितना बड़ा सखी था, शहजादी के लिए अनार ला रहा था, तारीफ आपके पीछे नजर, ये घड़ी को दिखा रखिए, ये शहंशाह भाई को तोहफा मिला आज की शाम। आपका भाई शेर पेश करता, सुनिए, अली के इश्क का आईना सामने रखकर रुके हयात को अपनी संवारते रहिए, है सबसे सहल तरीका अमीर बनने का, अली के नाम की खैरात पाते। सबसे सहल तरीका अमीर बनने का,
अली के नाम की खैरात। बहुत नाजुक सा शेर है, सबसे सहल तरीका अमीर बनने का, अली के नाम की खैरात। खड़ी है सामने रूमाल सैयदा लेकर, खड़ी है सामने रूमाल सैयदा लेकर, नजर की झील से मोती निकालते हैं। अरे मौलाई, सबसे बड़ा मन गलत का शेर था मेरा, इस शेर को आपके गर्दन हिला के सुने। सबसे सबसे सहल तरीका अमीर बनने का, सबसे सहल तरीका अमीर बनने का, अली के नाम की खैरात। खड़ी है सामने रूमाल सैयदा लेकर, नजर की झील से मोती, नजर की झील से मोती निकालते रहिए, जो चाहते हो कि सर पर जो चाहते हो कि सर पर अदब का ताज रहे, खुदा से सत्ताईस शब्बीर मांगते, सर पर वफा का ताज। ये मैं कलाम भूला हुआ था, लेकिन भाई की सलवात और भेजते हैं आप लोग। एक मिसरा हुआ था कि दोजख में फातिमा के गुनाहगार जाएंगे, ये अभी 15-20 दिन पहले का मिसरा है, आजम लौटा। वो शेर में पेश करता हूँ आखिर में, लेकिन उससे कब मैं चाहता हूँ अगर आप लोग इजाजत दे तो एक मतलब कुछ अशार पेश करूँ। हैदरी एक मिसरा हुआ हमारे सरजमीन कानपुर पर कि अपने धन में मधे अली की जबान रख। सुल्तान भाई, अपने धन में मधे अली की जबान रख। जबान को आप लोग बहुत खूब समझते हैं मुझे मालूम है, मतलब अर्ज करता हूं सुने। अपने दम में मधे अली की जबान रख, दिल को बना के इश्क अली का मकान रख। समस्या है हसन भाई, दिल को बना के इश्क अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान। कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख, तुझसे सुनूंगा बाद में, तुझसे सुनूंगा बाद में। और आइए बहुत कीमती है शेर, अपने दहन में मधे अली की जबान रख, नया कलाम है ये बिल्कुल, दिल को बना के इश्क अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान रख, तुझसे सुनूंगा बाद में नाते रसूले पाक। उससे सुनूंगा बाद में नाते रसूल पाक, पहले तू मेरे सामने पूरी अजान रख। दिल को बना के इश्क अली का मकान रख, कदमों तले जमीन नहीं आसमान, तुझसे सुनूंगा बाद में नाते रसूल पाक।
पहले तुझसे सुनो बात है नाते रसूल पाक, पहले तू मेरे सामने एक गंभीरी नारा लगाए मेरे साथ दोनों हाथों को बुलंद करके। बाहर बाहर जो खड़े हैं उनको लगे कि हम बहुत शबाब पे महफिल आ गए, डॉक्टर नया वल्लोरी साहब आने वाले हैं। पूरी अजान रख, मरने के बाद है अगर जीने की आरजू, मरने के बाद है अगर जीने की आरजू, मीसम की तरह पूरी हथेली पे जान रख। हिस्से में आएगी दुनिया में चाहे कितना बड़ा तू आरिफ भट्ट थे, अगर वो माहौल होता तो उसका फिर अलग ही लुत्फ होता, सभी हमारे इस शेयर में शरीफ हो जाते। दो गज जमीन बस तेरे हिस्से में आएगी, दुनिया में चाहे इसके अलावा कुछ नहीं, दो गज जमीन बस तेरे हिस्से में आएगी, दो गज जमीन बस तेरे हिस्से में आएगी, दुनिया में चाहे कितना बड़ा तू मकान रख। और ये शेर सुन ले कि जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा मैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत आहिस्ते से ये शेर, जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा मैं, क्या है नबी का सामने मेरे बयान रख। बहुत बड़ा शेर है भाई, बहुत बड़ा शेर है, मैं कनाए से काम लेता हूँ। जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा, जिसको कहेगा उसको खलीफा कहूंगा मैं, क्या है नबी का सामने, क्या है नबी का सामने मेरे बयान रख। पेशानी तेरी चूमेगा काबा नमाज में, पेशानी तेरी चूमेगा काबा नमाज में, दिल में सजा के बैठे खुदा का निशान रख। पेशानी तेरी चूमेगा काबा नमाज में, दिल में सजा के बैठे खुदा का निशान रख। आका के चाहने वाले शेर सुनो, बिदत बताना बाद में रोना हुसैन पर। बिदत बताना बाद में रोना हुसैन पर, याकूब की तू पहले जरा दास्तान रख। थोड़ा सा बच्चे को बोल जाइए, थोड़ा सुन जाइए। याकूब की तू पहले जरा रखना है सर पर तुझको अगर इज्जतों का ताज, रखना है सर पर तुझको अगर इज्जतों का ताज, अपने दहन में मधे रैली की जबान। इसको आखिरी में लगा, अपने दहन में मधे अली की। हमारे
एक शेर बहुत पसंद है सुल्तान भाई को, आते आते उन्होंने याद दिलाया, मैंने कहा इंशाल्लाह एक मतलब दो तीन शेर सभी ने बहरहाल मौला में तो कोशिश ये की थी मौला कायनात के हवाले से शेर पढ़ूंगा। आज इमाम फकीर अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत की तारीख है, कुछ उनके हवाले से, लेकिन भाई कभी तुम्हें एक मतलब दो तीन शेर सुन लें तो बहुत पसंद है मेरे भाई को, शायद कुछ लोगों ने सुना लेकिन कुछ शेरें मुझे नए दिखते हैं जिन्होंने नहीं सलाम सुना है। मतलब अर्ज करता हूँ फिरोज भाई, मतलब अर्ज करता हूँ सुने, इस सलवात का सहारा दे दे। नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, मिसरा देखिएगा मसाहब का मिसरा है, यहाँ से खुदा भी आपका भाई को उठाता है कि नोहे नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, मिट जाते कायनात से नखरे। नोहे अगर ना होते जो लैला के लाल के, मिट जाते कायनात से नगमे बिलाल के, काबे के मिस्र होती ना काके सिवा आदत, रखते ना जा नमाज में आप ही संभाल के। काबे के मिस्र होती ना खाते शिफा अगर, इस शेर पे आप सब अभी उम्मीदें हैं, रखते ना जा नमाज में आप ही संभाल के, क्या मजलिसे हुसैन है ये जानते ना हम, माँ बाप ना खिलाते ना लुक्मे हलाल। सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, हसास मजमा है मेरे सामने, सीने से अपने तोड़ के, मैंने कहा ना कि मसायब के फजाइल का रूप देखिएगा और आहिस्ते से ये शेर, सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, जौहर दिखाए दस्त में उसने कमाल किया। और ये शेर सुनो सुल्तान भाई आपका शेर आ गया, सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, जौहर दिखाए दस्त में उसने कमाल किए, दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर अकबर ने रख दिया है कलेजा। दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर, सीने से अपने तोड़ के नैजे की अंजुमन, जौहर दिखाए दस्त में उसने कमाल के, दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर अकबर ने रख दिया है। इस शेर के बाद यकीन मानिए मेरा शेर कहने से भी दिल ही नहीं हुआ, बस मैंने कहा यही बता था, बगैर वक्ते का मैं भी पढ़ रहा हूं ये गला। दीने खुदा के वास्ते दस्ते हुसैन पर अकबर ने रख दिया है, अकबर ने रख दिया, मिसरा हुआ था कि आबाद वो दोजख में फातिमा थे,
गुनहगार जाएंगे। अभी समय 15-30 को तक पूछा है, मसला अर्ज करता हूँ, वहां लिखा मजमा मेरे सामने कि रोके हुए शाबा भाई आगे आ जाए, रोके हुए जमाने की रफ्तार जाएंगे, अहले इल्म तस्लीम करते हैं, रोके हुए जमाने की रफ्तार जाएंगे, मेराज पर जो अहमद मुख्तार जाएंगे, रोके हुए जमाने की रफ्तार जाएंगे, मेराज पर जो अहमद जिस जश्न में बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदरे कर रहा। चलो भाई, जिस जश्न में बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी यहां से शेर खास हो गए, जिस जश्न में बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी, जिस जश्न में बतूल के सर, भाई देखिए मेराज से पहले तो कोई जश्न बतूल हुआ ही नहीं, मेराज से तो पहले हुआ ही नहीं कोई जश्न बतूल, वहां खुशियां मनाई गई तो शहजादी का नूर अदा किया गया, और जब दुनिया में अगर कोई महफिल होती है तो जब हमारे कहने पे या अली मदद करते हैं, पढ़ा लिखा मजमा है, जिस जश्न में बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदरे, ये फैसला भी आमदे जहरा पे हो गया, उलमा ग्राम की मौजूदगी में सानी मसला, अगर शहजादी ना आती कायनात के अंदर तो बेटियों की क्या अजमत होती, आप खुद समझ सकते हैं कि बेटियों के साथ जो उस दौर के बाप थे क्या करते थे, इस सरकार दो आलम की आमद और उनकी बेटी की आमद के बाद ही इज्जत मिली है, ये फैसला भी आमद सहरा में हो गया, जन्नत में सिर्फ से समझदार जाए, ये फैसला भी आमद सहरा में हो गया, जन्नत में सिर्फ खुल से समझदार जाएंगे, जो कश्ती बतूल पर बैठे हैं बादब इस पार से फकत कभी उस पार जाएंगे, जो कश्ती बतूल पर बैठे हैं बादब, जो कश्ती बतूल पर बैठे हैं बादब इस पार से फकत वही पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तक, क्या थी खबर को बागे फिटक मारे, और जलाना बनता है, और जिसने हकाया बीबी जहरा का, जिसने हकाया है बीबी जहरा का, उसका हमसे लानत खाना बनता है, नारे हाय अली, जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला की जल्द से जल्द तामीर के लिए बाबा से बुला मुख्तार जाएंगे, रोके हुए जमाने की रफ्तार जाएंगे, जिस चश्म में बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदरे, मजा लेना चाहिए था शेर का, बहुत बड़ा शेर था ये, जिस चश्म में बतूल के सरकार जाएंगे, पहले वहां भी हैदरे, जो कश्ती बतूल पे बैठे हैं बादब इस पार से फकत वही उस पार जाएंगे, पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर वो बागे फिदक, पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कल तलक, क्या थी खबर वो बागे फिदक,
क्या थी खबर, वो बागे फिजर मार जाएंगे। दोजख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, सोचिए क्या कहा, दोजख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत कदीर के गद्दार को। दोजख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, दोजख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, दोजख बना के रब ने फरिश्तों से ये कहा, इसमें फकत गदीर के, इसमें फकत गदीर के गद्दार जाएंगे। तू पढ़ रहा है बुग्ज़े अली में अगर नमाज, तू पढ़ रहा है बुग्ज़े अली में अगर नमाज, सजदे भी देखना तेरे बेकार। जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं हैदरी, पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कलतलक, क्या थी खबर वो बागे फिदक, पहलू में मुस्तफा के जो बैठे थे कलतलक, क्या थी खबर वो बागे फिदक, मार जाएंगे। तू पढ़ रहा है बुग़्ज़े अली में अगर नमाज, सजदे भी देखना तेरे, सजदे भी देखना तेरे। सजदे भी देखना तेरे बेकार जाएंगे। ये फैसला शहादत मोहसिन पे हो गया, तो दोज़ख में फातिमा के गुनहगार। ये फैसला शहादत मोहसिन पे हो गया, ये फैसला शहादत मोहसिन पे हो गया, दोज़ख में फातिमा के, ये फैसला शहादत मोहसिन पे हो गया, दोज़ख में फातिमा के गुनहगार जाएंगे। याद उस हुसैन, कुछ शेर अर्ज करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। अर्ज करता हूँ कि दिल से जो खटखटाएंगे दरवाजा है बतूल, दिल से जो खटखटाएंगे दरवाजा है बतूल, हर साल करबला वही जवान। और आइए इंसाफ करें शेर के साथ, मौला मैं क्या करूं, मुझे रोके हैं मुफलिसी, हर साल सोचते हैं कि इस बार जाएंगे। मौला मैं क्या करूं, मुझे रोके हैं, हर साल सोचते हैं। जा तो चुके हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, जो बेचारे साल भर जो होते हैं, लेकिन कोई ना कोई बाप का बीमारी का निकल आता है, कोई उनके घर के अंदर ऐसी जरूरत। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चार उम्रे किए हैं, करबला की भी ज़ियारत कर चुका हूँ, तो ये तो उनकी आवाज मैंने दिल की पहुंचाई है, मैंने तो उनके दिल के जज्बात हरमान में बैठ के मैंने ये शेर कहा, मैंने नजफ़े असलम में बैठ के ये शेर कहा, मैंने मौला हुसैन के रोजे में बैठ के ये शेर कहा। जो बेचारे यहाँ नहीं जा पा रहे वो किससे क्या कहे, तो ये बहरहाल उनकी जानिब से ये आवाज थी। हमारे गार्डनिंग अपने कानपुर के अंदर भी ऐसे कुछ लोग पाए गए जिन्होंने हर साल पूरे मेहनत करी और मशक्कत करी, जोड़ा पूरे साथ जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बाप ऐसा बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई। वो आगे देख ले अकबर के सिर्फ लक्ष्य कदम, जो कह रहे हैं कि यूसुफ साहब हसीन कहा गिरा के छूने से, उनको कहा यास कर ले, हमें पता है उलटती है गिरा के छूने से, उनको कहा यास कर ले, गिरा के छूने से, खुद को कहा यास कर ले, हमें पता है गिरा के झूले से तुझको कहा ये अजगर ने, हमें पता है उलटनी है आज तीन कहां, ये बात खुद तुम्हें करबला बताएगी। मैं शेर बहुत आहिस्ते से पढ़ रहा हूं, ये बात खुद तुम्हें करबला बताएगी के बाद मरने के रहते हैं जाहिरीन का। अच्छा
के बाद खुद तुम्हें कर दो बड़ा भारत। ये भी शेर याद आ गया आपने का बड़ा शेर है, लेकिन हमारी नजर में ये बड़ा शेर है। ये फैसला तो फकत फातिमा ही करती है, ये फैसला अजर अरब शेर सुनो, ये फैसला तो फकत फातिमा ही करती है, करेगा आपकी अजर आरन भाई का। ये फैसला तो भगत फातिमा ही करती है, करेगा आपकी अदालत अरबईन कहां, बुझा दे माले गनीमत के जो चरागों को, अली के जैसा जहां में कोई अमीन। अली के जैसा जहां में कोई अमीन कहा कदीर ने हर एक सकीफा जाते से हमारे तारा कहा और तुम्हारे दीन। कहा कदीर ने हर एक सकीफा जाते से हमारे बारह कहा और तुम्हारे इमाम असर भी आते हैं ताज महफिल में, इमाम असर भी आते हैं ताज महफिल में, ये बात मानेंगे आखिर मुनाफिकीन।